नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं AD Education YouTube चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस जिनके जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, जिससे आप लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधार कार्ड संबंधित जानकारी। आप अपने आधार कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा, गूगल में सर्च करना होगा आधार वेरिफिकेशन, ये टाइप करें और सर्च करें। जैसे ही आप इसको टाइप करके सर्च करते हैं, आपके सामने गूगल जो सर्च करके देगा उसमें एक वेबसाइट होगी जो कि होगी UIDIA की। ये आधार कार्ड की ही वेबसाइट है, गवर्नमेंट की अथोराइज्ड। ये देखिए, ये खुल गई है। दूसरे नंबर पर आपको नीचे की तरफ UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर दें। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आपको मिलेगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन। आप यहां क्लिक कर दें, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए UIDAI की वेबसाइट खुल गई है। और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं जो आधार कार्ड से संबंधित हैं। आप बहुत कुछ यहाँ से कर सकते हैं UIDAI की वेबसाइट से। तो यहाँ देख लें, यहीं मिलेगा आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, जो आधार कार्ड की जानकारी के अंतर्गत ही होता है जब आप फॉर्म भरते हैं, तो वो भी आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना आधार कैसे वेरीफाई करेंगे। तो आपको जो सामने दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई आधार नंबर, आधार सर्विसेज में आप देखेंगे, इस पर आप क्लिक कर दें। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन होगी जिसमें आपको एंटर करना होगा अपना आधार नंबर, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और नीचे दिया गया कोड जो कि अभी मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें 7434। आप जब करेंगे तो आपके सामने भी ये कोड होगा। अपना आधार नंबर और ये कोड डाल के नीचे वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दें आप। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने आपकी आधार की डिटेल्स आएंगी, आप उनको देखें। ये देखिए, मैं बता देता हूँ, ये आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको जो डिटेल होगी वो होगा आपका आधार नंबर। तो वो आप चेक कर लें, वही आपका नंबर है या कोई गलती है उसमें, वो चेक कर लें। साथ साथ में और जो जानकारी दे रखी है वो भी आप चेक करें। इसमें मोबाइल नंबर होगा पर पूरा नहीं होगा, इसमें कुछ आखिरी के डिजिट होंगे। तो आपके मेल फीमेल आप जो भी हैं उसके हिसाब से आपकी जानकारी होगी, आपके जेंडर की और कुछ इस तरह की डिटेल रहेगी। तो आप यहां से ये देख सकते हैं, तो इसने ये वेरीफाई किया है, अपनी जानकारी यहां से देख के वेरीफाई कर सकते हैं अपने आधार को कि जानकारी सही है या कोई गलती है इसके अंतर्गत। तो आप इससे संबंधित जो भी कदम है वो उठा सकते हैं, इसको अपडेट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं वेरीफाई ईमेल करने का, ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने का। तो आपने जैसे वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक किया, वहां से आपको ये पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपनी कुछ जानकारी डालनी होगी जो कि होगी आपका आधार नंबर। आधार नंबर को आप एंटर करते हैं यहाँ पर, और जैसे ही आप आधार नंबर को एंटर करते हैं, और साथ साथ में आपको अपना डालना होगा ईमेल और साथ में डालना होगा आपका मोबाइल नंबर। और यहाँ भी आपको एक कोड नीचे मिलेगा, जैसे आपने आधार को वेरीफाई करने के लिए डाला था उसी तरह का एक कोड होगा, उसको जैसा दिया गया हो वैसे टाइप कर दें। और उसके बाद आप वन टाइम ओटीपी, ये आपका एक बटन होगा नीचे की तरफ, उस पर आप क्लिक कर दें। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस बटन के ऊपर, तो आपको आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक कोड आएगा जो कि एक OTP कोड है, जो कि आधार के द्वारा वेरिफिकेशन कोड का है, उस नाम से आएगा आधार वेरिफिकेशन कोड। आप अपने मोबाइल में चेक करें, क्योंकि अगर ये रजिस्टर्ड नंबर आपका वही है जो आधार कार्ड में है,
तो ये आपको OTP रिसीव होगा। अदरवाइज़ ये इससे संबंधित जो भी एरर रहेगी या जो भी मैसेज रहेगा वो आपको आगे की प्रोसेस बता देगा। तो आप इसके ज़रिए जान भी सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो एक्चुअली में सही है कि नहीं, और इस तरह से ये इसको वेरीफाई कर लेता है, क्योंकि वेरीफाई करके आपके ईमेल जब आप डालते हैं तो ईमेल पर आपको एक ये कोड भेजता है, एक मेल जाता है आपके ऊपर, और मोबाइल नंबर जो डालते हैं उस पर मोबाइल नंबर पर ये चला जाता है। अगर ईमेल नहीं डाला गया है तो ये आप छोड़ सकते हैं, और मोबाइल नंबर को तो आप वेरीफाई कर ही सकते हैं। तो ये देखिए ये आ गया है, OTP इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार के अंतर्गत जब आपने बनवाया था तो ये उस पर OTP भेजेगा इसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये सही है। और OTP अगर आपको आपके मोबाइल में रिसीव हो जाता है तो आप चेक कर लें, ये कोड या तो न्यूमेरिक हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं इसमें, या फिर डिजिट यानी कि अक्षर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, तो आप इसको चेक कर लें। एक बार ये कोड आपके में आ गया तो यानी कि आपका मोबाइल वेरीफाई हो गया, इसी तरह से ईमेल को चेक कर लें। तो ये प्रोसेस थी आधार को वेरीफाई करने के लिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में दबाएं बेल आइकन को जिससे आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त कर सकें।